गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग विद नीरज। गाइज अभी मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर, पुणे से रोड ट्रिप रहेगा वो भीमा शंकर के लिए। तो दोस्तों अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, चलो। तो गाइज मैं निकल चुका हूँ और जो मेरा रूट है वो पुणे के खराड़ी से होते हुए लोनिकन से राजगुरु नगर और फिर वाडा रोड से मैं जाऊँगा भीमा शंकर। और ये पूरा माउंटेन एरिया है ये देखो, और इस माउंटेन का नाम है सह्याद्री हिल। भीमा शंकर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र के सह्याद्री हिल पर है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। और ये नेक्स्ट लेवल व्यू है, आप मतलब देखो यहाँ से कितना ऑसम व्यू है, बहुत मजा आएगा गाइज। पुणे से लगभग 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और रास्ते में आपके बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है, शिव जी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया और इस युद्ध में शिव जी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवों ने शिव जी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर हमेशा के लिए विराजित रहे। तब महादेव जी ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया और इसी स्थान पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। बोलिए हर हर महादेव। तो मैं बहुत लकी हूँ जब मैं आज जा रहा हूँ दर्शन करने और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा ही। पहाड़ों के बीच से होते हुए जाने का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं अभी वो फील कर रहा हूँ और लगभग मैं आ चुका हूँ अभी। तो मंदिर पहुँच चुका हूँ और ये इधर आ पार्किंग और ये मेन गेट था बट अभी बंद है, उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसके ठीक बगल से रास्ता गया है, मैं उधर से जाऊँगा अभी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे से, यही था पहले मेन गेट एंट्री, ये देखो गाइज यही रास्ता था जो अभी बंद है बट आगे जाके ये हमें मिलेगा, ये देखो। आप इसे कंस्ट्रक्शन नहीं रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। यहाँ से टर्न लेना है पड़ी का, देखो फिर उधर ही मिल गया जिधर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था रास्ते का। पूरा हिल है माउंटेन, तो ये देखो मैं उसी रास्ता पे आ गया जो कि आगे बंद था, फिर ये देखो ये नीचे को जाएगा रास्ता। यार सभी मंदिर में आप नीचे से ऊपर जाओगे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट थिंग लगा इधर बट बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। इधर सॉफ्ट है, इधर से लाइन स्टार्ट हो गई है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो दर्शन हो चुकी है और लगभग आधे घंटे लगा क्योंकि भीड़ नहीं था और क्योंकि वीक ऑफ था, वीकेंड नहीं था इसलिए उतना भीड़ नहीं था, बट आप वीकेंड पे आओगे या मंडे को आओगे तो इधर बहुत रश मिलेगा और बहुत इजीली हुआ है दर्शन। बट अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं अंदर का शूट नहीं कर पाया, बट ये देखो बाहर से फिलहाल भीमा शंकर टेम्पल पे ये नाग देवता
और गाइस इस मंदिर की टाइमिंग की बात करो तो सुबह 5 से लेकर 9:30 बजे रात तक ओपन रहता है। और बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस फ्रॉम जुलाई टू मार्च, क्योंकि इस टाइम पे प्लीजेंट वेदर रहता है। अब मैं निकल चुका हूँ, फिलहाल मॉर्निंग का टाइम था तो इसलिए उतना रश नहीं था, भीड़ नहीं था, और नीचे जाने का रास्ता। और गाइस इधर बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे आपको, काम चल रहा था तो बस कुछ आगे तक है, उसके बाद फिर इधर से मोड़ना है रास्ता। इस मैं अभी निकल रहा हूँ, देखो ये इधर से ही एंट्री होती है और गाड़ी पार्क करने का स्कूटी लेके आप आ सकते हो। ये देखो ये बाइक जा रहा है और ये मेरा स्कूटी है। एक मंदिर इधर भी है, कमला माता मंदिर। ये मैप देखने का है इधर से। तो अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, काफी धूप हो रही है गाइस अभी। और जब आप भीमा संगर से पुणे की तरफ आओगे तो फर्स्ट पेट्रोल पंप यही है, राजनंदी पेट्रोलियम। दोस्तों अभी मैं बीच में रुका हुआ हूँ कहीं पे, काफ़ी अच्छा व्यू लगा यहाँ पे, इसलिए मैंने व्यू बना लिया इसका। किलोमीटर एयरबॉक्स तो ये हैवी जाते हैं भीमा संगर की तरफ, और इधर पूना। अगर आप स्टे करना चाहते हो तो होटल्स हैं, ऑप्शन है यहाँ पे, लाइक धर्मशाला भी है, बट मेरे को निकलना है तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ। तो गाइस मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।